फ्रेंड्स, ब्लॉगर वेबसाइट पर अगर हमें गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना होगा तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके, अगर आप यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का प्लेलिस्ट शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाउ टू क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट मैंने यहाँ पे बता रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर लोगो ब्लॉगर का लगा हुआ, मैंने इस पर ब्लॉगर का बताया हुआ है। इस वाली वीडियो मैंने बता रखा है कि आप ब्लॉगर पर कैसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए किस तरीके से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको गूगल पे यहाँ पे टाइप करना है गूगल एडसेंस, और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। अगर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जिस मेल से आप यहाँ पे लॉग इन होंगे आपको इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा, इसलिए हमें साइन इन नहीं करना है, हमें गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी जिस पे मेल आईडी से आप चाहते हैं गूगल एडसेंस क्रिएट करना उस मेल आईडी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। यहाँ पे आप गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, आपको अगर यहाँ पे कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से यस सेलेक्ट कर लिया है। ये आपसे परमिशन मांगता है कि आपको कुछ मेल नोटिफिकेशन वगैरह भेजने के लिए, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना रहता है, और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी रहती है। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइट ऐड करना रहता है इस यहाँ पर, तो यहाँ पे लेट्स गो करेंगे आप। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोड दिया है, ये आपको एक स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आपको पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है और हेड टैग के नीचे डालना है। ये आपको हेड टैग के नीचे डालेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हेड ओपन और यहाँ पे हेड क्लोज है, इसके बीच में आपको डालना है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे साइट को रिव्यू के लिए पूछ रहा है, योर साइट नीड्स रिव्यू। तो रिव्यू करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर चेंज होते रहते हैं, पहले ये प्रोसीजर नहीं था, अभी आपको यहाँ पे ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ये एडसेंस कोड स्निपेट है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एड स्निपेट का भी ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। और अभी हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होता है थीम फाइल एडिटर पे, और यहाँ पे आपको देखना है हेडर कहाँ पे। आपको यहाँ पे हेडर और फुटर पीएचपी होता है, आपको यहाँ पे हेडर पीएचपी में जाना है, और आपको हेड और ये हेड क्लोज के बीच में आपको ये डालना था। तो अभी हम यहाँ को एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे अपडेट फाइल। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी फाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, और यहाँ पे आपको चेक कर देना है आई हैव प्लेस्ड द कोड। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी आपका जो यहाँ पे साइट है वो कनेक्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे क्या करना है, आपको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना है। अभी आपको ये बोल रहा है कि आपको इसको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजना है, तो अभी हम इसको रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, पहले हम यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो हम फुलफिल कर देते हैं इसकी। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर टेल अस अबाउट यू है, तो यहाँ पे हमें एंटर इन्फॉर्मेशन करना है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे नेम एंड एड्रेस अपना फुलफिल करना है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देना है, आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो टेक्स्ट मैसेज आने के बाद आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। अभी आपका ये देखिए, ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो आपने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, और फिर से आना है अपने इस थर्ड वाले ऑप्शन पे जहाँ पे हमने अपनी साइट को कनेक्ट किया था। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे। जब हम रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अभी देखेंगे यहाँ पे रिव्यू एक्सेप्टेड है। अभी ये हमारा हमने अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के बाद गूगल एडसेंस इसे रिव्यू करेगा, आपकी साइट को रिव्यू करेगा। अगर आपकी साइट पे सब कुछ ठीक रहता है तो आपकी साइट को अप्रूवल दे देगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो जो प्रोसीजर्स होंगे उन सारे प्रोसीजर्स के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।